हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख पा रहे हैं कि आज मैं नेहा कक्कर को ड्रॉ करने वाला हूं और इस पे हमने ग्रिड मेथड को यूज़ कर लिया है और इसके ही हेल्प से आज मैं ड्रॉ करने वाला हूं। चलिए मैं आपको फटाफट ड्रॉ करके दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जितने कॉलम्स बने हुए हैं उतने कॉलम्स हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हॉरिजेंटल में 8 कॉलम्स हैं एंड लैंडस्केप में 5 कॉलम्स हैं और हमने डिसाइड कर लिया है कि 1.4 mm का हमने कॉलम को ड्रॉ करना है और उसके बाद हम फोटो को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। तो गाइस, हमने कॉलम क्रिएट कर लिया है और अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा किस तरह से मैं ड्रॉ करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने लगभग इसका इतना साइज में कर लिया है और अब हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे ये काउंट करेंगे हम कॉलम से। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ऊपर से चलूँगा साइड से। तो चलते हैं यहाँ से ये कॉर्नर से ही, तो कॉर्नर से हम चलेंगे क्योंकि कॉर्नर का कॉलम हमारा ये हो जाता है। आपको नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। कॉर्नर का कॉलम हमारा ये हो जाता है, तो यहाँ से हम चलते हैं।
गाइस हमने ग्रिड मेथड को यूज़ करके हमने आउटलाइंस को तैयार कर लिया है और आई होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए भी हेल्पफुल रहा होगा। तो गाइस इसका फिनिशिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो भी देखना ना भूलिए क्योंकि वो और भी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए और कुछ और भी सीखने को मिलेगा कि हम किस तरह से शेडिंग करेंगे। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी फिनिशिंग को लेकर के।